अगर आपने कम उम्र से ही हिलाना शुरू कर दिया था, हिला हिला कर आपने अपने जवानी का सारा पानी झाड़ दिया है, जिसकी वजह से आज आपका वीर्य डालते ही झर जाता है, आपका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला हो चुका है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। इस आयुर्वेदिक औषधि का सिर्फ एक खुराक औषधि खा लो, ठोकते ठोकते थक जाओगे, आपका वीर्य ही निकलेगा। लगातार 6 से 7 घंटे ठुकाई करने का जोश इस अद्भुत औषधि में भरा है। अगर आप अपनी बीवी की टांगे उठा उठा कर ठोकना चाहते हैं, ठोक ठोक कर बीवी की गुफा फुलाना चाहते हैं, बीवी का सारा पानी झाड़ना चाहते हैं, वीर्य को मक्खन जैसा गाढ़ा बना देगा ये आयुर्वेदिक शुक्रा प्लस पाउडर। घंटों तक संभोग करने के लिए इस औषधि का जरूर इस्तेमाल करें। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें। जिन पुरुषों का औजार छोटा है, उनकी बीवी लंबा औजार पसंद करती है, तो आप इस औषधि को लगाकर अपने औजार को लंबा और मोटा कर सकते हैं। इस औषधि को दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी खरीदें। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। सिर्फ एक खुराक औषधि में आप अपनी बीवी के सारे पानी को झाड़ सकते हैं और बीवी को हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानें, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पेज पर नए आए हो तो पेज को फॉलो कर लो। इस औषधि को तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज लहसुन और गुड़। लहसुन और गुड़ आपके शरीर की ताकत को बढ़ाता है, आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, आपके वीर्य को गाढ़ा करने में आपकी मदद करता है। पहले के राजा महाराजा इसी लहसुन और गुड़ का इस्तेमाल करके 100-100 रानियों का पानी झाड़ देते थे, लेकिन आजकल के मर्द अपनी एक पत्नी को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे लोग हिलाते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, ज़्यादा जोशीले हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा जोशीले होते हैं वे लोग अपनी औरत को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अगर आप भी अपनी औरत को खुश नहीं कर पाते तो इसका इस्तेमाल करें। आपको सुबह शाम दोनों टाइम 4-4 लहसुन की कलियाँ लेकर उसे छीलें, कर चटनी बनाएं, गुड़ के साथ उसे चबा चबा कर खाएं। 10 मिनट तक पानी का भी सेवन ना करें। 10 मिनट के अंदर आपके शरीर में तूफान आ जाएगा बीबी की टांगे उठा उठा कर ठोकने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।